डॉपलर इफेक्ट क्या हुआ? ये डॉपलर इफेक्ट ऐसा फिनोमेना है जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी में चेंज मिलेगा, मतलब अपेरेंट चेंज मिलेगा फ्रीक्वेंसी में सोर्स का, अगर ये मूवमेंट हो रहा हो या मोशन हो रहा है सोर्स या ऑब्जर्वर में। मतलब यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ पर मान लीजिए ट्रेन आ रही है, बस आ रही है, तो आप देखेंगे कि जैसे ही आपके करीब आएगी आपको आवाज़ तेज लगेगी, जैसे ही आपको जाने लगे यहाँ से चले जाएगी तो आपको आवाज़ कम आने लगेगी, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट पर आवाज़ आपको कम लगेगी या फ्रिक्वेंसी कम लगेगी, यहाँ पर आएंगे तो आपको फ्रिक्वेंसी ज़्यादा लगेगी। तो कुछ सिनेरियोज बनते हैं इसमें जब सोर्स, ये जो सोर्स है ये मूव कर रहा हो और आप यहाँ पर खड़े हो रेस्ट पे हो, तो जब सोर्स मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी हो आपकी तरफ, तो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी क्या होगी? जो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी आएगी एन डैश, वो होगा एन वी बाय वी माइनस वी एस, यानी कि ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, ये इस तरीके से वी आ रही है और ये वी जो वी एस है, वी सब एस है वेलोसिटी जो साउंड की है। अगर सोर्स मूव कर रहा है मतलब अब इस डायरेक्शन में जाने लगा है, तब क्या होगा एन डैश? बस इसको आप प्लस कर दीजिएगा, इसको प्लस कर दीजिए तो ये बन जाएगा, अगर सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो। यदि सोर्स रेस्ट पे है, अब मान लीजिए ये सोर्स रेस्ट पे है और आप मूव कर रहे हैं, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ये मतलब साहब ये साहब मूव कर रहे हैं, ये रेस्ट पे है, तब क्या होगा? जो ऑब्जर्वर है वो मान लीजिए कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी ओ मान लेते हैं इसको, तो जो मतलब एक सोर्स की तरफ, जो सोर्स आराम से रेस्ट पे है, तो ये वी ओ हम इसको मानते हैं, जो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी आएगी वो आएगी आपके एन डैश इक्वल टू एन, ये वेलोसिटी सोर्स की है, सॉरी ये वेलोसिटी सोर्स है, ये आपकी वेलोसिटी जो साउंड की वी सब एस जो है वेलोसिटी सोर्स की है, वी ओ आपका वेलोसिटी आपके ऑब्जर्वर की है। तो क्योंकि यहाँ पर आपका ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो एन डैश हो जाएगा एन वी प्लस वी ओ बाय वी, इसी तरीके से जब ऑब्जर्व मूव कर रहा है सोर्स से दूर तो आपका एन डैश हो जाएगा एन वी माइनस वी ओ बाय वी, इस तरीके से बनता है ये। अब एक और सिनेरियो बनता है जब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों ही मूव कर रहे हैं, यानी कि ये सोर्स है ये ऑब्जर्वर है, अब ये जो सोर्स है वी एस से मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर जो है वी ओ से मूव कर रहा है और ये एक वेलोसिटी वी है, तो अब जब दोनों मूव कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में तब क्या होगा? यानी कि जो प्रोपोगेशन है साउंड का वो भी ये है और दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी मिलेगी वो होगी एन वी माइनस वी ओ, मतलब ये डिवाइड बाई वी माइनस वी एस, यानी कि ये जब दोनों मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में लेकिन जो डायरेक्शन है प्रोपोगेशन ऑफ साउंड का वो अलग है, यानी कि ये वी एस इस डायरेक्शन में, वी ओ इस डायरेक्शन में, लेकिन जो साउंड है वो इस तरफ जा रही है, तब आप इसको माइनस को प्लस कर दीजिए, इसको माइनस को प्लस कर दीजिए, आपकी एन डैश फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। जब दोनों मूव कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, यानी कि ये इधर मूव कर रहे हैं ये इधर मूव कर रहे हैं और वेलोसिटी ऑफ साउंड इस तरफ है, तो वी प्लस वी जीरो वी माइनस वी एस। अगर दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर की तरफ जा रहा है एक इधर की तरफ जा रहा है और साउंड इस तरीके से आ रहा है, क्योंकि साउंड तो सोर्स से ही आएगा, सोर्स से ऑब्जर्वर पे, यहाँ पर भी सोर्स से ऑब्जर्वर पे जा रहा है, तो एन डैश हो जाएगा एन वी माइनस वी जीरो बाई वी प्लस वी एस। ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट का मतलब होता है कि जो डॉपलर इफेक्ट है यानी अपेरेंट चेंज जो होता है फ्रीक्वेंसी में मूवमेंट के कारण, तो जो मोशन के कारण, तो डॉपलर इफेक्ट जो साउंड में है ट्रांसफर डायरेक्शन में नहीं काम करता है, मतलब वो ट्रांसवर्स इस डायरेक्शन में काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखिए डायग्राम को या फिगर को, जो पोजीशन है सोर्स की वो ये सोर्स की है एस, ऑब्जर्वर साहब जो है आपके ऑब्जर्वर ओ जगह ओ पे खड़े हुए हैं, तो जो सोर्स है और ऑब्जर्वर है ये अगर इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, तो जो कॉम्पोनेंट वेलोसिटी का या कहें वेलोसिटी सोर्स का ऑब्जर्वर के ऊपर, वो आपका क्या होगा? वी कॉस थीटा। देखिए ये सोर्स है या ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, तो मान लीजिए ये वी है ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? वी कॉस थीटा, ये इसका वी कॉस थीटा बन गया इस डायरेक्शन में, मतलब सोर्स और ऑब्जर्वर के डायरेक्शन में वी का कॉम्पोनेंट वी कॉस थीटा। इस सिचुएशन में जो अप्रोच फ्रिक्वेंसी होगी वो किस तरीके से होगी आपकी, मतलब जो एफ डैश आएगा वो होगा वी बाय वी माइनस वी एस कॉस थीटा, जो इसका कंपोनेंट है, इनटू एफ, इस तरीके से बनता है ये। जहाँ पर ये एफ डैश है अब बन गया ये किसका? कॉस थीटा, मतलब थीटा का फंक्शन बन गया। ओके, तो ये कोई कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये थीटा के हिसाब से वेरी करेगा, जैसे एंगल वेरी करेगा वैसे ये वेरी करेगा। अगर यहाँ पर एस है इस जगह पे, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो अब इसके बारे में बात करते हैं, यदि सोर्स जो है, पहले हमने ये वाला देख लिया, अगर सोर्स दूर जा रहा है यानी ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, मूव कर रहा है जैसे यहाँ पर जा रहा है, तो वेलोसिटी इसकी कंपोनेंट क्या होगी? वी की। ये वी अगर यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वी कॉस थीटा यहाँ बनेगा। ये जो सिनेरियो है एफ डैश, बस यहाँ प्लस कर दीजिए, यहाँ जो एफ डैश है वो बनेगा वी बाय वी प्लस वी एस कॉस थीटा, क्योंकि जब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हो थीटा ये हो और ये वेलोसिटी हो, तो इसका कंपोनेंट थीटा के हिसाब से यहाँ बनेगा वी कॉस थीटा, और ये आपका
इधर जा रहा है, ऑब्जर्वर यहाँ है, तो सोर्स इस डायरेक्शन मूव कर, इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, ऐसा कॉम्पोनेंट हमें यहाँ लेना पड़ेगा। ध्यान रखिए कि ट्रांसवर्स जगह पे नहीं होता, इसलिए इसका कॉम्पोनेंट हम ये वी साइन थीटा वाला दरकिनार करेंगे, इसको छोड़ेंगे। अगर थीटा 90 डिग्री है तो सीधी सी बात है, कॉस थीटा की जगह अगर 90 डिग्री रखें या थीटा की जगह 90 रखें तो आप जानते हैं कॉस 0 होता है, कॉस 90 आपका 0 हो जाता है। तो वी एस कॉस थीटा कॉम्पोनेंट 0 हो जाएगा, इसका मतलब कोई भी फ्रिक्वेंसी में शिफ्ट नहीं होगा, वही फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी या होगी जो हो जो होती है। तो अगर पी पॉइंट की बात करें इस जगह पे डॉपलर इफेक्ट यहाँ नहीं होगा, इस जगह पे कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा इस डिस्कशन से। अब हवा भी है, यदि विंड ब्लो कर रही है, हवा चल रही है, मान लीजिए वेलोसिटी उसकी डब्ल्यू है, तो हम क्या करेंगे, तो डायरेक्शन मान लीजिए जो साउंड है उसकी डायरेक्शन में चल रही है, तो उसकी वेलोसिटी हम वेलोसिटी ऑफ साउंड में ऐड करेंगे, यानी वी के साथ डब्ल्यू, वी के साथ डब्ल्यू जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर जो कंडीशन है अपरेंट फ्रिक्वेंसी के चेंज की, वो एन डैश हो जाएगा एन, ये वी प्लस डब्ल्यू, वी प्लस डब्ल्यू माइनस वी एस और माइनस वी जीरो माइनस वी एस, वो तो खैर वैसे रहेगा। एप्लीकेशन क्या है डॉपलर इफेक्ट के, अगर मेजरमेंट करें डॉपलर शिफ्ट का, तो ये डॉपलर शिफ्ट कई जगह पे यूज़ होती है, जैसे मान लीजिए कोई व्हीकल ओवर स्पीड कर रही है, अपनी स्पीड से ज़्यादा जा रही है, पता कैसे पता करेंगे, डॉपलर शिफ्ट से। यानी एयरक्राफ्ट जो मूव कर रहे हैं एयरपोर्ट में, वो डॉपलर शिफ्ट से पता करते हैं। अगर आपको हार्ट बीट पता करना है, ब्लड फ्लो पता करना है अलग अलग पार्ट में बॉडी के, वो आपका डॉपलर शिफ्ट से पता चलता है। और इसके अलावा जो एस्ट्रोफिजिस्ट है वो इसको यूज़ करते हैं ताकि प्लैनेट्स और ये प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स और स्टार का वेलोसिटी पता कर सकें।